हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना मेरोत्रा और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डोसे के लिए बैटर बनाएंगे। आइए देखें, डोसे के लिए बैटर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये हमने 1.5 कप चावल लिया है। इसको 3-4 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। चावल आप इसमें कोई सा भी ले सकते हैं। ये हमने मोटा चावल है थोड़ा सा, वो लिया है। 1/2 कप ये उड़द की दाल है। दाल भी हमने साथ ही साथ 3-4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। इसमें हमने 1/2 चम्मच ये देखिए मेथी के दाने डाले हैं। ये इसमें देखिए मेथी के दाने पड़े हुए हैं। 1/2 चम्मच हमने जब दाल भिगोई थी तभी हमने इसमें मेथी का दाना डाल दिया था। अब सारा पानी इसका निकाल देते हैं। दाल का थोड़ा सा पानी इसमें रख लेंगे, क्योंकि यही पानी जब हम दाल पीसेंगे, इसका बैटर तैयार करेंगे, तब हम डालेंगे। सारा पानी इस तरीके से निकाल दिया है हमने। दाल और चावल मिक्सी में डालकर एक साथ पीस लेंगे। दाल और चावल हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है। 1/2 चम्मच नमक भी इसी में डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है। अब मिक्सी को चलाकर बारीक इसका बैटर पीस लेते हैं। डोसे का बैटर पिस गया है। इसको सारा भगोने में निकाल लेते हैं। डोसा बनाने के लिए हमें इसकी पहले से तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि इसका बैटर देर में फर्मेंट होता है। 10 से 12 घंटे कम से कम लग जाते हैं। गर्मी में तो थोड़ा सा जल्दी फर्मेंट हो जाता है, जाड़े में कम से कम 12-15 घंटे इसको फर्मेंट होने में लग जाता है। सारा बैटर हमने भगोने में निकाल लिया है। अब हम इसको ढक के रख देंगे। 10 से 12 घंटे में ये फूल कर इस तरीके से हो जाएगा। हमने पहले से ही डोसे का बैटर बना के रखा हुआ था। देखिए ये फूल कर इस तरीके से हो जाएगा, एकदम डबल हो जाएगा फूल के। देखिए आप इस तरीके से इसमें किस तरीके से इसमें जाली सी पड़ जाती है सारी, और एकदम फर्मेंट होके बहुत अच्छा डोसा इसका बनकर आता है। डोसे के बैटर को गाढ़ा रखेंगे, जिससे फूल ये बहुत अच्छा फूल जाता है। यदि हम इसको पतला रखेंगे तो फूल करके पूरा एकदम पूरा ऊपर नहीं फूलेगा। इसलिए डोसे का बैटर बनाने जब हम बनाएंगे तब इसको पतला करेंगे, और अभी पहले इसको गाढ़ा बैटर रखेंगे। डोसे का बैटर बनकर तैयार हो गया है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी लेटेस्ट रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए और अपने कमेंट्स हमारे संग शेयर करिए। एक बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ रचना मेरोत्रा.com पर।